Hey guys, welcome back to my channel and happy Valentine's to all of you, to you, your family, your mommy, your daddy, your husband, your brother, your friends, everyone. और आई एम रियली सॉरी मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है. एक्चुअली मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ. मैं कैसे रेडी की हुई हूँ, मैंने क्या क्या मेकअप किया है उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, तो वो मैं अभी क्लिपिंग डाल दूंगी. और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा आउटिंग करने के लिए. सो आप सबको मैं लेकर के चल रही हूँ. सो या लेट्स गो. सो दिस इज़ राइट नाउ माई फेस. आई हैव जस्ट वॉश्ड माई फेस ऑफ विद नॉर्मल फेस वॉश. आई एम यूजिंग दिस डॉक्टर बेलमेर टोनर एंड taking it. टोनर लगाने के बाद मैं लगाऊंगी अपना मॉइस्चराइजिंग क्रीम. तो ये मेरी डर्मा ने रेकमेंड किया था, तो मैं ये वाला क्रीम लगाती हूँ, मॉइस्चराइजर लगाती हूँ. आप कोई सा भी लगा सकते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है प्राइमर की. तो जो नॉर्मली प्राइमर्स होते हैं, जैसे लॉरियल हो गया और लैक्मे वाला हो गया, तो ये प्राइमर्स मैं जब भी लगाती हूँ तो मेरा जो स्किन होता है ना, वो बहुत ड्राई हो जाता है. रिसेंटली आई गॉट स्मैश बॉक्स का जो मिनी प्राइमर होता है, ड्राई करने वाला जो प्राइमर होता है, वो मुझे मिला है. तो वो पूरे चारों जो भी उनके आते हैं वो सब मिले हैं. बट ये मैं भी अभी जो लगा रही हूँ वो है दिस स्मैश बॉक्स फोटो फिनिश प्राइमर. अभी एक बार मैं इसको ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, तो मैं अब आज भी यही लगाऊंगी. प्राइमर इज रियली गुड. ये बिल्कुल भी आपके फेस को ड्राई नहीं करता है और बहुत, मतलब स्किन बहुत अच्छी लगती है इसको लगाने के बाद. और मतलब उसका प्राइस एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, 3000 का आता है ये, बट दिस इज अमेजिंग. तो दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग. काफ़ी स्मूथ लगता है और सारे जो पोर्स हैं वो एक्चुअली में ब्लर आउट कर देता है. स्क्रीन पे तो इतना नहीं दिखता है, स्क्रीन पे ना इतना ज़्यादा पोर्स दिखते हैं, ना ब्लर कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो नहीं दिखता, बट इट एक्चुअली ब्लर्स इट आउट. मतलब काफ़ी अच्छा वर्क करता है. बट प्राइस बहुत ज़्यादा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू बाई द ओरिजिनल वर्जन जिसका है फुली वर्जन, वो तो मैं नहीं लेने वाली हूँ. क्योंकि ये आया है तो मैं ट्राई कर रही हूँ और इसका रिव्यू दे रही हूँ कि काफ़ी अच्छा है. नो डाउट, थोड़ा सा ये सेटल डाउन हो जाए. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सा बीबी क्रीम अभी यूज़ कर रही हूँ, तो जो मैं बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ ये है वो, द बॉडी शॉप टी ट्री 02. माई शेड इज 02. इन्हीं वेरियंट्स में आता है 1, 2 एंड 3. तो जो 1 है वो बहुत ज़्यादा फेयर स्किन टोन के लिए है और जिनकी पिंकिश अंडरटोन है उनके लिए है, और जो 3 है वो मेरे से थोड़ा डार्क है. तो जो 2 के आसपास है, मतलब जो मेरे से थोड़े से फेयर है या मेरे से थोड़े से जिसका शेड थोड़ा सा डाउन है, वो सब 2 यूज़ कर सकते हैं. सो बीबी क्रीम को मैं हाथ से लगा लेती हूँ, कोई ब्रश व्रश यूज़ नहीं करती हूँ. तो ये है LA Pro HD कंसीलर और आई एम इन द शेड प्योर बेज. ये बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी स्किन टोन का है. तो यहाँ जो हल्की सी आप देख रहे हैं यहाँ पर, और आई थिंक इधर, एंड आई डोंट थिंक सो, और हाँ मेरी नेक पे. एक्चुअली ये जो पोर्शन है ना, दिस इज ये मेरा मार्क है. दिस यू कैन कॉल इट, ऑपरेट किया गया था इस एरिया को, इसके लिए यहाँ पर मार्क है और वो कभी जाने भी नहीं वाला है. मुझे थोड़ा सा एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ था टॉन्सिल से रिलेटेड, तो ये एरिया मेरा ऑपरेट हुआ था, तो उसकी वजह से ये मार्क है. तो मैं जनरली यहाँ पर कंसीलर से ही कवर करती हूँ. तो ये जो ब्रो डिफाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड पलाडियो एंड काफ़ी अच्छा है, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट. अब आते हैं कॉम्पैक्ट के ऊपर. तो आई एम यूजिंग माई मैक स्टूडियो फिक्स प्लस, यूजिंग दिस टार्ट प्रो ग्लो पैलेट, और ये मैं लेकर के आई थी सिंगापुर एयरपोर्ट से. बहुत लाइट कॉन्टोरिंग करी है मैंने, बहुत लाइट. तो मस्कारा के लिए आई एम यूजिंग दिस फॉल्स लैश सुपर स्टार मस्कारा. दिस इज अ न्यू वन एक्चुअली. सो ओके,
तो यूजुअली मेरी आई लैशेज जो है वो ऑलरेडी काफ़ी थोड़ी सी लेंदी और थिक हैं, तो जब भी मैं अगर मस्कारा लगा लेती हूँ तो वो काफ़ी फ्लैटरिंग और उठ करके आती हैं और अच्छी लगती हैं। सो येस, दिस इज़ माई फेस मेकअप, और अभी बस मैं एक लिपस्टिक लगाऊंगी और फिर मैं ड्रेस पहन करके आप लोगों के सामने आती हूँ। ये बाल वाल सब करती हूँ मैं। फेस मेकअप हो जाने के बाद आई एम गोइंग टू स्प्रे दिस मैक प्रेप एंड प्राइम फिक्सिंग स्प्रे, मैं हमेशा भूल जाती हूँ उसको। सो दिस इज़ माई हेयर स्टाइल, वेरी सिंपल, कुछ भी नॉर्मल ओपन हेयर मैंने रखा है। एंड दिस इज़ माई टॉप, ये है, और दिस इज़ फ्रॉम वेस्टसाइड, ये मैंने खरीदा था लास्ट ईयर आई गेस एक्चुअली, और ये सबसे नया टॉप मेरे पास यही था। मैं क्या करती हूँ, मुझे कोई पसंद आते हैं, कहीं जाती हूँ तो मैं खरीद तो लेती हूँ, और एक अलग से मेरे पास बैग है जिसमें मैं सारे जितने भी मेरे नए टॉप्स होते हैं वो मैं रखती हूँ। तो ऐसे मेरे पास नए टॉप्स भी रहते हैं, बचे हुए रहते हैं, तो एकदम से कोई ओकेशन आता है तो मुझे खरीदना नहीं पड़ता है, वो एक लॉट रहता है मेरे पास ऑलरेडी नए टॉप्स का। तो मैं आपको दूर से दिखाती हूँ कि ये टॉप एक्चुअली कैसा लग रहा है। सो दिस इज़ द टॉप एंड दिस इज जीन्स, शॉर्ट क्रॉप टॉप है ये, काफ़ी यू नो समरी टाइप का कलर है। एंड लिपस्टिक के लिए आई एम रियली कन्फ्यूज, मैं डार्क शेड में इस बार नहीं जाना चाहती हूँ, सो आई एम गोइंग फॉर अ लिटिल लाइटर शेड। So for that I'm using this Smashbox driver seat. मैं ये Lakme का lip gloss लगाती हूँ to get a ओके। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू विव्याना, बिकॉज इसलिए जा रही हूँ मैं क्योंकि मेरे को जाना है वेडिंग अटेंड करने के लिए, फ्रेंड की वेडिंग है, और मेरे पास ईयर रिंग्स नहीं है। जो ड्रेस अभी मम्मी आई थी तो वो दो सूट लेकर के आई हैं, मैंने मंगवाए थे भोपाल से स्पेशली, जो मैंने अपनी शादी में परचेस करे थे, कोई भी नया सूट मैंने परचेस नहीं किया तो वही मैंने मंगवाए थे। एंड उसके ऊपर जो ईयर रिंग थे और जो नेकलेस था, नेक पीस था, वो मैं अनफॉर्चुनेटली मंगवाना भूल गई, और अभी मुझे कल जब मैं ट्राई कर रही थी तो मुझे याद आया कि उस शेट इसके पीछे जो नेकलेस था वो मुझे लेना था। सो येस, वो लेने के लिए मैं जा रही हूँ, और विक्की ने कार निकाल ली है तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। हे गाइस, तो आज है वैलेंटाइंस डे का नेक्स्ट डे, तो मुझे वैलेंटाइंस डे पे क्या गिफ्ट मिला है मैं आप लोगों को वो बताती हूँ। सो डैन एक्चुअली दिस इज़ माय वैलेंटाइंस डे गिफ्ट, दिस इज़ माय एनिवर्सरी गिफ्ट, दिस इज़ माय करवा चौथ गिफ्ट, और क्या गिफ्ट आता है बीच में, और बस यही गिफ्ट आता है ना। तो 2018 का कोई सा भी ओकेशन आप ले लो, उन सबका गिफ्ट यही है, ऐसा हम लोगों की डील हुई थी जब मैं ये ले रही थी तब। सो 2018 में कोई गिफ्ट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। सो अब जो मुझे नेक्स्ट गिफ्ट डायरेक्टली मिलेगा वो 2019 के बर्थडे में मिलेगा। सो तो 2018 का कोई गिफ्ट मुझे ठीक है, बट आई एम ओके विद इट, ऐसी हमारी डील हुई थी एंड आई एम टोटली ओके विद इट, बिकॉज यू नो वी आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, वी आर फ्रॉम अ सर्विस क्लास फैमिली, और हम दोनों को भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वी आर मतलब और भी चीज़ें हम लोगों को करनी है, तो अभी गिफ्ट ही गिफ्ट लेते रहेंगे तो फिर सेविंग्स और बहुत सारी चीज़ें कैसे हो पाएगा। सो दैट्स वाई आई एम ओके विद इट, क्योंकि वैलेंटाइन गिफ्ट इज़ अ रिचुअल, तो मैंने खुद को वैलेंटाइन गिफ्ट दिया है और साथ ही साथ मैंने विक्की को वैलेंटाइन गिफ्ट दिया है। तो वॉट आई gifted him is this, तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ, उसको इसी तरह की चीजें पसंद आती है, तो ये है। एंड नेक्स्ट है
जो मैंने खुद को गिफ्ट किया है दैट इज दिस इज मैक शेड्स ऑफ लव. एक्चुअली ये ऑफर चल रहा था तो मैंने ऑफर में लिया है. मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है. फर्स्ट मैं आपको अपने मैक की सैडेस्ट स्टोरी बताऊंगी. तो आप लोगों ने देखा होगा वर्थडे के हॉल में मैंने ये मैक का कॉम्पैक्ट स्टूडियो फिक्स परचेस किया था और आई एम इन द शेड NC41. तो मैं स्टोर पे जाकर के, मैं चाहती तो ऑनलाइन परचेस कर सकती थी बट मैंने स्टोर पे जाकर के ही परचेस किया क्योंकि एक तो ये 2700 का आता है और मुझे लगा कि अगर शेड ऊपर नीचे आ गया तो यार 2700 इज अ बिग अमाउंट मेरे लिए तो है. और मैंने घर पे आकर के उसको लगाया तो जब मैं सनलाइट में जा रही थी ना तो मुझे मेरे फेस पे ना ऐसे पीची पीची सा शेड लग रहा था. मतलब आई एम इनटू येलो अंडरटोन और टिपिकल जो इंडियन ब्रिटिश स्किन टोन होती है, मेरा स्किन टोन वैसा है. तो जो जनरली मोस्ट ऑफ द स्किन टोन्स होते हैं, नॉर्मल स्किन टोन्स जो होते हैं, बहुत कॉमनली मेरा स्किन टोन है. तो मुझे लगा कि यार ये ऐसा पीची पीची सा शेड क्यों लग रहा है. तो आई थॉट कि मे बी शायद ये ऐसे ही लगता होगा एंड ऑल. फिर मैंने नेक्स्ट डे फिर से लगाया, फाउंडेशन के ऊपर लगाया, अगेन वो पीछे दिख रहा था. फिर मैंने बिना फाउंडेशन के उसके ऊपर लगाया तो अगेन वो पीछे दिख रहा था. देन आई गॉट टू नो कि भाई मेरा जो शेड है वो एकदम गलत आ चुका है. उसके बाद मैं उनके स्टोर पर गई ये ले करके और मैंने जिस बंदे ने मुझे बताया था, रिकमेंड किया था, मैंने उसके ऊपर भड़की इन द सेंस मीन्स मैंने उसको अच्छे से सुनाया कि भाई 2700 इज एक्चुअली अ बिग अमाउंट फॉर मी और मैं शायद 3-4 महीने तक ये आराम से चलाती. और मतलब मुझे गुस्सा आया कि यार तुम इतने बड़े मैक स्टोर पे बैठे हुए हो रिकमेंडेशन और आप रॉन्ग रिकमेंडेशन दे रहे हो मुझे. इट्स वेरी वेरी बैड, वेरी 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 बैड. मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैं बहुत जम के मुझे मतलब दिमाग मेरा आउट हो गया था. फिर उसके बाद मुझे वहाँ पर पता चला कि वैलेंटाइन ऑफर चल रहा है तो अगर आप 3000 के ऊपर की कुछ भी परचेस करते हो तो यू विल गेट 2 कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स. एक तो था फिक्स प्लस का छोटा वाला 30 ml वाला जो कि एक्चुअली में काफ़ी महंगा आता है, 900 rupees का आता है. और एक और वो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रोब क्रीम देने वाले थे तो मुझे लगा दिस इज़ अ गुड थिंग. तो मैंने क्या किया, एक्चुअली ये वर्क बहुत अच्छा करता है नो डाउट. पूरा 8 hours तक की इसकी स्टेइंग पावर है क्योंकि मैं चेक कर चुकी हूँ, टेस्ट कर चुकी हूँ, तो 8 hours तक की स्टेइंग पावर है. इट्स जस्ट दैट कि मेरा जो शेड है वो गलत है. अब मैं ये सोच रही थी कि मैक का मैं 3000 तक का क्या परचेस करूँ. फाउंडेशन मुझे लेना नहीं था, मेरा खरीदना था. मेरे पास ऑलरेडी अच्छा हाई एंड ब्रांड का ब्लश भी है, कॉन्टोरिंग है, हाइलाइटर है, एवरीथिंग आई हैव. तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मैंने फिर से इसी का जो अच्छा शेड है, जो एक्चुअल मेरा शेड है, मैंने वो परचेस करा. तो नाउ I got this. This is NC40. तो अभी मेरे पास NC41 भी है और एक सेकेंड और मेरे पास NC40 भी है. तो इसको अब मैं जो नॉर्मल रेगुलर यूज़ होता है मैं उसमें इसको यूज़ कर लूँगी और एक्चुअल पार्टी वेयर वाला जो रहेगा वो मेरा NC40 रहेगा. सो एंड उसमें जो आया है साथ में, मुझे मैक की लिपस्टिक्स, आई डोंट नो, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ मैक लिपस्टिक्स, बट ठीक है क्योंकि कुछ और ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा था तो मैंने ये छोटी वाली लिपस्टिक खरीदी है. और मेरा जो शेड है दैट इज डी डेंजर मैंने परचेस किया है तो ये 900 वाली है. सो ये हो गया था मेरा क्योंकि 2700 का खरीदने के बाद उनके पास 500 rupees की कोई चीज़ ही नहीं रहती है. तो लास्ट जो था सबसे छोटा जो चीज़ थी दैट इज़ वो यही था. तो मैंने ये दोनों परचेस किया है. तो उसमें मुझे एक तो ये 30 ml का मैक का ये प्रेप एंड प्राइम फिक्स प्लस मिल गया जो कि ट्रैवल फ्रेंडली है, मुझे ये चाहिए ही था छोटा वाला. और उसके बाद साथ में एक छोटा सा मेरे को स्ट्रोब क्रीम मिल गया. तो यस ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो आई थिंक इट्स अ गुड डील. 900 rupees की चीज़ आपको फ्री मिल रही थी, जनरली ये अलग से 900 rupees का आता है. तो ये माई ये गिफ्ट जो था ये मेरे खुद के लिए, मैंने खुद को अपने आप को गिफ्ट किया वैलेंटाइन डे के दिन. और विकी को भी मैंने गिफ्ट किया, विकी ने मुझे चॉकलेट फ्लावर्स ये सब चीज़ें गिफ्ट करी हैं विच इज़ वेरी स्वीट ऑफ हिम. तो ये उसके बाद जो मैं मॉल गई थी, जो मैं ज्वेलरी लेने के लिए गई थी वो मैं बताती हूँ कि मैं क्या लेकर के आई हूँ. सो आई गॉट ज्वेलरी फ्रॉम सिया. तो अगर आप इसकी ऑनलाइन ज्वेलरी भी देखना चाहते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं. इट इज़ अ ब्रांड, ऑल ओवर इंडिया में आपको मिल जाएगा. तो इसकी वेबसाइट है ये. मेरे पास जो इयररिंग्स होते हैं वो सब मेरे 300-400 मैक्स टू मैक्स 700 rupees के हैं. सिर्फ मेरे शादी के सेट को छोड़ करके बाकी 700 से ज़्यादा का कोई भी मेरे पास इयररिंग नहीं था. तो मुझे थोड़े से हैवी जो क्लासी दिखते हैं आप जो रोड वाले हम जो इयररिंग परचेस करते हैं उसमें और ये वाले जो इयररिंग है इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क तो है. मैं भी जनरली रोड्स वाले परचेस करके ही पहनती थी, 200-300 वाले जो आते हैं, 250-300 वाले वो लेती थी. बट जब मैं इनको लेकर जब मैंने इनको पहन के देखा मेरे फेस पे एक अलग सा ग्लो आ रहा था, ये इतने सुंदर लग रहे थे. सो दिस इज़ द इयररिंग्स, ये है वो इयररिंग्स. तो इनकी ज्वेलरी पे ऑफर, तो इनकी ज्वेलरी पे ऑफर ये चल रहा था कि आप कोई भी एक ज्वेलरी लेंगे, अब वो चाहे 3000 की हो चाहे 2000 के ऊपर हो, आपको एक ज्वेलरी उससे थोड़ी कम की आपको इसके साथ फ्री मिल जाएगी. तो मुझे वहाँ पर मुझे एक चोकर सेट भी चाहिए था, अच्छा प्रीति सा चोकर सेट चाहिए था. तो मैंने फिर वहाँ से
ये चोकर सेट लिया, मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड, ये है। एंड द बेस्ट थिंग इज इसके साथ जो इयररिंग है, जनरली चोकर जब आप पहनते हो तो इयररिंग बड़े बड़े बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं, तो उसके साथ मैं बिल्कुल ये छोटे छोटे टॉप्स हैं ये, सो ये हैं 2400 के, ये आए थे आई थिंक हाँ 2495 का ये चोकर सेट था, और ये जो इयररिंग है ये है 2250, तो मतलब कि हम लोगों ने पे किया था उनको 2495 में ये चोकर, और उसके साथ हमको ये इयररिंग जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक्चुअली ये मुझे नहीं पता है मैं ये कब पहनने वाली हूँ, बट मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे, और मेरे घर पे बहुत शादियाँ रहती हैं, हर कभी आपने देखा ही होगा मैं बहुत भोपाल जाती हूँ, तो मुझे लगा कि किसी ना किसी शादी में तो मेरे को ये यूज़ में हो ही जाएगा, और इसलिए मैं ये लेकर के आ गई हूँ। और ये जो इयररिंग है ये मुझे शादी में जाना है तो मैंने उसके लिए लिए हैं, मैं घर से, मेरे पास ऑलरेडी एक चोकर है बट वो मैं घर से मंगवाना भूल गई थी, और ये सब चीज़ें तो काम में आई जाती है, मैं बहुत कम लेती हूँ इस तरह की चीज़ें, मैं बहुत कम लेती हूँ, और जब लेती हूँ तो वो चलती है, मतलब मैं उनको चलाती हूँ, बट अभी मैंने काफ़ी टाइम से नहीं लिया था तो इसलिए मैं ये लेकर के आ गई हूँ। ओके, तो क्योंकि मुझे वेडिंग में जाना है तो मैं खुद से ही घर पे फेशियल करती हूँ, तो आज मैं आप लोगों के सामने अपना जो फेशियल रूटीन है जो मैं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, 2-3 मंथ्स में एक बार करती हूँ, बट जब करती हूँ तो मेरा फेस काफ़ी क्लीन हो जाता है उससे, मैं पार्लर में फेशियल्स नहीं करवाती हूँ, तो आज मैं आप लोगों के सामने वो शेयर करूँगी, सो या लेट्स गो। ओके, तो जो सबसे पहले स्टेप आती है वो आती है अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश करने की, तो सबसे पहले मैं अपने फेस को नॉर्मल फेस वॉश, जो भी फेस वॉश आप यूज करते हैं उसे आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस फेस क्लेंजर, ये फेस को क्लीन करने के लिए होता है, सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड एज रॉन, और ये बेसिकली तो ये इस तरह से वर्क करता है, लेफ्ट डायरेक्शन के लिए ये लेफ्ट चलता है एंड राइट डायरेक्शन में चलने के लिए ये राइट चलता है, सो इट इज़ वेरी वेरी नाइस। मेरे पास ये पिछले 4 सालों से है, मैंने शादी के 1-1.5 साल पहले इसको परचेस किया था। बेसिकली दिस इज़ अ फेस एपिलेटर, इसका जो हेड है ये इस तरह से निकल जाता है और यहाँ पर एक एपिलेटर लगता है जिससे आपके पूरे आईब्रोज ब्राइब्रोज जहाँ जहाँ करके भी आपको निकालना है हेयर आप निकाल सकते हैं, और ये निकल जाता है हेड। इवन इसका जो ब्रश है वो भी रिमूवेबल है, तो इसको मैं चेंज करती रहती हूँ, रिफिल आता है ये, तो ऐसा है, और इसको मैं वापस लगा देती हूँ और ये लग गया, और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत लाइट हैंडेड, मैं इसको जनरली हफ्ते में एक बार अपने फेस को वो करती हूँ, बट ध्यान रहे ये आपको तभी करना है जब आपके फेस पे कोई भी एक्टिव एक्ने ना हो, तो मैं अभी मेरे फेस पे कोई भी एक्टिव एक्ने नहीं है तो मैं इसलिए इसको अभी यूज़ कर रही हूँ। स्टेप जो आती है वो आती है स्क्रब की, तो मैंने स्क्रबिंग मैं घर का वाला यूज़ कर रही हूँ, तो ये जो ऑरेंज वाली दाल होती है, मसूर दाल है ये, और उसके बाद चावल का आटा, एंड देन उसमें मैंने थोड़ा सा रोज वाटर मिलाया है, तो ये दिस पैक वर्क्स लाइक अ क्लेंजर, और साथ ही साथ ये वर्क करेगा लाइक अ स्क्रबर एज वेल, क्योंकि इसमें छोटे छोटे यू नो बीट्स हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाती हूँ क्योंकि बहुत ड्राई हो गया है। अप्लाई इट लाइक दिस, आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं हाथ से लगाती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ब्रश से ज़्यादा क्लीन हाथ होता है हमारा। मैं बहुत दिनों बाद ये वाला जो पैक है ये लगा रही हूँ, अदरवाइज मैं क्या करती हूँ टाइम नहीं मिलता है तो फटाफट अपना जो फैब इंडिया वाला जो फेस एंड बॉडी स्क्रब है वो लगाती हूँ जनरली, बट आज मैंने सोचा अच्छे से प्रॉपरली फेशियल करते हैं एंड देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। तो ये मैंने लगा लिया है, आफ्टर 10-15 मिनट्स के बाद हम लोग थोड़ी सी स्टीम लेंगे, तो यस वेट करते हैं अभी 10-15 मिनट्स। तो ये काफी सारा ड्राई हो चुका है तब मैं स्टीम लूंगी। सो नाउ आई एम गोइंग टू वॉश माई फेस, और स्टीम ले लिया है मैंने, तो हल्का सा स्क्रब करते करते हम लोग हमारा फेस वॉश करेंगे, तो इट्स लाइक अ स्क्रबिंग एंड क्लीनिंग बोथ द थिंग्स साथ में आ जाएगी। तो अभी ये करने के बाद फेस थोड़ा सा ड्राई ड्राई लगता है, तो अभी मैं अपने जो भी ब्लैक हेड्स हैं वो निकालूंगी, और वो निकालने के बाद मैं शीट मास्क लगाऊंगी। अब जो मैं ब्लैक हेड्स हैं वो इसके थ्रू, इसकी हेल्प से थ्रू निकालूंगी,
ये मैं लेकर के आई थी मिनीसो से, तो अभी आप मेरी रोज जो देख रहे हैं रेड हो गई है, मैंने थोड़े बहुत निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर आई एम यूजिंग बॉडी शॉप का ड्रॉप्स ऑफ यूथ नाइट मास्क, और इसको लगाने के बाद ये मेरा लास्ट स्टेप है, मैं थोड़ा सा लिप बाम लगाऊंगी एंड दैट्स इट। और ये मेरा एक सिंपल सा क्लीन अप था, इसको हम फेशियल नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा बस लॉन्ग प्रोसेस क्लीन अप था, इससे स्किन काफ़ी क्लीन हो जाती है। और इसको लगाने के बाद मैं जनरली सोती हूँ। तो येस, दैट्स इट फॉर माई वीडियो, आई होप यू ऑल लाइक इट। इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।